आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और अभी हम बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में। यहाँ आने से पहले की जर्नी मैं आपको अगली क्लिप में दिखाऊंगी। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू सूरत बाई ट्रेन, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, यहीं पे हमारी ट्रेन आने वाली है। अभी हम रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे, फिर मैं आपको अंदर क्या दिखाती हूँ सब कुछ, ठीक है। अभी तक भी हम बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, और मैं बहुत ज़्यादा भूख में हूँ। हमने खाना खाया, अभी यहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, और वेटिंग रूम में बैठने का चार्ज यहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन है। तो नानी, मैं और मम्मी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने दिए टोटल 90 रुपीज़, और बाकी जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ जाती तब तक आप यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ सारी हैं यहाँ पर। और अभी मम्मी गई है मेरे एक मामा को लेने, वो मामा हमसे मिलने आ रहे हैं, तो मम्मी उनको लेने गई हैं। तो अभी जब मामा आएंगे तो मैं आपको उनसे मिला दूँगी। ये आ गई है मम्मी मामा को लेके, ये है मेरे हैंडसम से मामा, और नानी यहाँ पे सोई हुई है। हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है, और हमारी ट्रेन का नाम है तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन हमें कल सुबह 5 बजे सूरत पहुँचा देगी, और ये ट्रेन दिल्ली टू सूरत की सबसे फास्टेस्ट रेलवे ट्रेन है, और ये हमें पहुँचा देगी 12 घंटे और 18 मिनट में सूरत। तो अब मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगी कि अंदर का इंटीरियर वगैरह और स्लीपिंग फैसिलिटीज़ और फूड फैसिलिटीज़ सारी कैसी हैं। तो अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, मम्मी और नानी उस तरफ बैठे, हाय बोलो, और इस टाइप से ऊपर का बाकी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी अच्छे से। तो ट्रेन एग्जैक्ट टाइम से चली है, और हमें रेल नीर से पानी की बोतल मिल गई है, और खाने का ऑर्डर ले लिया है भैया ने, वेज नॉन वेज आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको किस टाइप से खाना लेना है। और अभी चल रही है ट्रेन स्टेशन से, तो अब हो गया हमारा स्नैक्स टाइम, सबके स्नैक्स आ गए हैं, नानी भी अपने स्नैक्स दिखा रही है। तो ये सब मिल रहा है राजधानी एक्सप्रेस में हमें, सॉरी राजधानी एक्सप्रेस तेजस में। फ्रूटी है, और मैं आपको बताती हूँ एक बार रख के कि क्या क्या है इसमें, अच्छे से आपको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मिली है हमें हमारी ये फ्रूटी टाइप्स, मतलब मैंगो ड्रिंक है, और ये है हमारा सोन केक, मतलब सोन पापड़ी है ये हमारी मिठाई, और इस पैकेट में आपकी चाय सामग्री होगी, और चाय के साथ खाने के लिए चने वाली नमकीन है, और जो लोग थोड़ा डाइट वाले हैं उनके लिए डाइट मिक्सचर है, और इसके अंदर भी एक स्नैक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नानी खा रही है ये वाला स्नैक्स है, ये कचौड़ी। तो
सबसे पहले आपको स्नैक्स में ये सब मिलता है। अब बाकी जब लंच आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको यहाँ लंच में क्या मिलेगा। अभी भैया ये लेके आए, ये है थर्मस टाइप्स, इसके अंदर है गर्म पानी करके सबको देना है। जो हमें चाय की सामग्री मिली थी उसमें, इस पानी में हम जब उस सामग्री को ऐड करेंगे तो हमारी चाय बन जाएगी। तो अब हम चाय बनाते हैं। और ये रेडी हो गई है हमारी चाय। अब हम आज चाय पी रही हैं। थैंक यू मामा। जब मामा आए थे तो मामा ने हमें KFC से बर्गर और फ्राइज और काफ़ी सारी चीज़ें दिलाई थी, तो अब मैं अपना बर्गर इंजॉय करती हूँ। तो अब हमारा डिनर आ गया है और ये सब आया डिनर में। मैं पहले इन सबको खोल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इन सब में क्या है और कैसा हो रहा है इसका। तो ये है हमारी नॉनवेज थाली और इसमें सबसे पहले है चिकन, फिर यहाँ पे को हमारी दाल है, फिर यहाँ पे को हमें राइस मिला है, वो भी जीरा राइस, और यहाँ पे हमारी रोटियाँ हैं और हमें उसके साथ में दही भी मिली है। तो अब मैं ये सब ट्राई करके बताती हूँ आपको कि ये कैसा हो रहा था। और अभी मैं हूँ अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे और अब मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं आपको टेस्ट बताती हूँ। अभी ये खूब नखरे दिखा रहा है अपने कि मैं वीडियो में आ रहा हूँ करके, इसको बाद में पता चलेगा मैं क्या कह रही थी, अभी तो मैंने म्यूट पे रखा है। तो देखो ये कैसे कसम दिखा रहा है। तो अभी मैं खाना खा के बैठ गई हूँ और मैं बैठी हूँ सबसे ऊपर पे, यानी कि बाकी सब लोग नीचे सोए हैं। यहाँ पे नानी सोई है इस तरफ, वहाँ पे अम्मा और वहाँ पे मम्मी और बाकी के पैसेंजर सोए हैं, तो मैं सबसे टॉप में हूँ। तो मैंने खाना खा लिया और खाना काफ़ी अच्छा था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन थाली मंगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी हो रही थी टेस्ट में। जो नॉनवेज था, चिकन था, वो काफ़ी अच्छा था टेस्ट में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और दाल भी अच्छी थी और मतलब खाना काफ़ी अच्छा था, तो आप ट्राई कर सकते हैं नॉनवेज थाली। वेज थाली मैंने ट्राई नहीं करी तो मैं उसका रिव्यू नहीं देती हूँ अभी। और यहाँ पे को आपको ऐसे पैकेट में मिल जाएगा, इसके अंदर आपको एक बेडशीट मिलेगी वाइट कलर की, और आपको ऐसे एक पिल्लो मिल जाएगा और एक ऐसे कंबल मिल जाएगा सोने के लिए। तो सारे टाइप की फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। और अगर आपको रात में लाइट्स ऑन करनी है तो आपके सर के यहाँ पे को भी लाइट मिलेगी आपको, और एक स्विच होगा, वो देख रहे होंगे आप मम्मी के पास में, ऐसे आपको स्विचेस मिल जाएंगे, सबके अपने पर्सनल स्विचेस हैं। और यहाँ पे कोई एक मिरर भी लगा हुआ है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं नीचे जाऊंगी। तो ये स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो स्विचेस में लैपटॉप या फ़ोन चार्जिंग की फैसिलिटी है वो हर टाइम ऑन रहेगी। देखिए रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आपका फ़ोन और लैपटॉप्स उसमें चार्ज नहीं होंगे, तो उसके पहले आप अपने फ़ोन और लैपटॉप चार्ज कर दीजिए ताकि आपको रात में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे यहाँ पे पानी रखने के लिए पहले तक जगह नहीं होती थी, लेकिन आजकल ट्रेन्स में ऐसे जगह मिल जाती है आपको। आप यहाँ पे को अपनी बोतल को सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप आराम से सो जाइए, फिर आपको जब पानी पीना है आप यहाँ से निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसको वापस वहीं रख दीजिए। अब आ गया है सबसे मेन चीज़, आ गया है हमारा डेजर्ट जो कि है वनीला आइसक्रीम। तो जब भैया हमको देते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आ गई हमारी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम अमूल की आइसक्रीम आई है। अभी भैया सबको बांट रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं जिस जिसको आइसक्रीम चाहिए उन सबको आइसक्रीम मिलेगी। तो मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, ये वनीला फ्लेवर आइसक्रीम है और ये हमारी डिज़र्ट है।
अभी हम जस्ट उतरे हैं अपनी ट्रेन से और यहाँ पे हमें ताऊजी पिक करने आए हैं और ये भी मेरे ताऊजी हैं और अभी हम सारा सामान उठवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सामान है तो कूली लगा रहे हैं। और थोड़ा सा लेट हो गई थी ट्रेन इसलिए हम पहुँचे हैं 5:53 पे, आधे घंटे लेट थी हमारी ट्रेन। तो अभी जस्ट हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली गई है, अभी हो रहा है टाइम 5:55 और अब हम जा रहे हैं अपनी ताई जी के घर। और तेजस का हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और अगर आपको अपनी ट्रेन की लोकेशन वगैरह देखनी है कि किस स्टेशन में है, किस स्पीड से चल रही है, तो एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जिसका नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी ट्रेन का नंबर डालना होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन कौन से स्टेशन में पहुंची है और आप कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं ताई जी के घर पे, हमने चेंज वगैरह कर लिया। ये मेरी ताई जी है और ये मैक्सू। मैक्सू यहाँ देखो, यहाँ देखो मैक्सू, वो देख मैक्सू, ये हमारा मैक्स है। मैक्सू बहुत खुश हुआ जब हम आए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, बस उस टाइम में वीडियो नहीं शूट कर पाई। हाँ, ये मम्मी नानी तो यहाँ पे सो गई है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाई।